कहाँ से मिटेगी हमको, कौन मिटाएगा, नेता कोई नहीं मिटाएगा, सब अपने पेट के लिए भूखे हैं, गरीब को कोई नहीं देखता है सर आज के डेट में, गरीब तो मर रहा है रोड पे। काम कोई विकास काम ही नहीं हुआ मेरा अभी तक पंचायत में, अभी तक इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, खाली इनका खाली एक ही मुद्दा रहता है कोल परियोजना खाली चलते रहता है, जब जीतते हैं तो खाली कोयले परियोजना खाली दिखाते हैं। जब दलदल में जाइए रहे हैं तो आपको याद क्या करेंगे, याद करेंगे सर आपको इसलिए कि दलदल से आप निकालिए। सर यहाँ पे औरंगाबाद जिला में सर इस बार अच्छा उनका वोट रहेगा, अच्छा वोट रहेगा उनका। सरकारी काम कराने गए तो आप 500 रुपये मांग रहे हो तो हम खेत बेचेंगे कि परिवार बेचेंगे। सरकारी जो कुर्सी पे बैठ जाता है तो देखता है कि मेरा राज है बस, गरीबों को कोई राज नहीं है, नहीं मंदिर से पेट नहीं भरता है कि आत्मा का शांति मिलता है ये मानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कौशलेंद्र प्रियदर्शी है और आप न्यूज फॉर नेशन का खास कार्यक्रम देश का दादा कौन चुनावी सफर 2024 देख रहे हैं। हम चुनावी सफर पे निकल चुके हैं, जनता का नब्ज टटोल लें ताकि यह पता चल सके कि मोदी 400 पार करेंगे या राहुल मोदी की गद्दी को छीन लेंगे। हमारे साथ हम ऐसे ही चल रहे थे इस सफर में तो एक जगह रुके, ये औरंगाबाद का इलाका है, गांव है पडरावां, ये पासवानों की बस्ती है। जी हाँ, चूँकि बिहार में जाति की छाती पर राजनीति नाचती है, जातीय समीकरण मायने रखता है, लेकिन जरा सा इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर औरंगाबाद में स्थिति क्या है या देश के स्तर पे बाकी ये सोचते क्या हैं, वोट क्यों करते हैं, आखिर किसी को क्यों जिताना चाहते हैं। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? उत्तम पासवान। उत्तम पासवान जी, वोट करते हैं? वोट तो करते हैं। वोट क्यों करते हैं? वोट करते हैं अपने गांव के विकास के लिए करते हैं और जिला के विकास के लिए करते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो सर स्थिति सर गड़बड़ है, यहाँ पे स्थिति गड़बड़ है। गड़बड़ है क्यों, कैसे? कोई काम तो करते नहीं हैं सांसद महोदय, कुछ काम कोई विकास काम ही नहीं हुआ मेरा अभी तक पंचायत में, अभी तक इस क्षेत्र में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, खाली इनका खाली एक ही मुद्दा रहता है कोल परियोजना खाली चलते रहता है, जब जीतते हैं तो खाली कोयले परियोजना खाली दिखाते हैं, हाँ बस और कोई विकास नहीं है इनका। कोयल परियोजना आज तक सफल नहीं हुआ, आज भी अभी सफल भी नहीं हुआ है, खाली जनता को खाली बेवकूफ़ बना के वोट यहाँ लिया जाता है। यहाँ तो जनता बेवकूफ़ काहे बनती है, क्या करेगा सर, आखिर यही बार बार चुनाव आते ही हैं यहाँ पे, दूसरा कोई तो यहाँ आता ही नहीं है, आता है तो यहाँ सेटिंग करके भी वोट दूसरा कोई दे देता है यहाँ पे। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से भी तो अभय कुशवाहा खड़े हैं। हाँ खड़े हैं, नए उम्मीदवार हैं। हाँ हैं। तब आखिर अगर चुनाव सर अभय कुशवाहा का सर यहाँ पे औरंगाबाद जिला में सर इस बार अच्छा उनका वोट रहेगा, क्या है? अच्छा वोट रहेगा उनका, ठीक है। हाँ, सुशील बाबू का इस बार स्थिति डबाडोल रहेगा औरंगाबाद। आप लोग जैसे मान लिया जाए कि ये कुछ तो मुद्दा रहता होगा, जैसे आपने कहा कि कोयल परियोजना है या बाकी चीज़ें हैं, तो सड़क या बाकी चीज़ें हैं, अस्पताल हैं, जो एजुकेशन है, शिक्षा की स्थिति है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं? हाँ उधर सब ठीक है सर, हाँ शिक्षा भी ठीक है सर, हॉस्पिटल भी सर औरंगाबाद में अच्छा अच्छा बना हुआ है, बना हुआ है, है ना। तो सवाल ये है कि आप लोग वोट किसे देते हैं, मोदी को देते हैं? हम लोग सर मोदी को ही वोट देते हैं सर। अच्छा। हाँ, सुशील बाबू को हम लोग वोट नहीं देते हैं, उनके नाम पे सर वोट हम लोग देते हैं, मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट यहाँ देते हैं। तो मोदी जी की खूबी क्या है? मोदी को देश को विकास हो रहा है, देश में विकास कर रहे हैं, देश विदेश में बहुत उनका नाम है उनका। क्या विकास उन्होंने किया मोदी जी ने? बहुत विकास हुआ सर, अच्छा अच्छा सर रोड बन रहा है सर, हैं और अच्छा अच्छा कॉलेज बन रहा है बिहार में, बन रहा है, विकास हो रहा है। बस यही, आम जनता तो महंगाई से तो ग्रस्त है, मगर हम लोग सर वही देख रहे हैं सर, किसे यहाँ पे शिक्षा का कोई असर नहीं है, आदमी तो हर 400-500 रुपया पर डे कमा ही लेता है, किसी तरह कमा लेता है, कमा लेता है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, मगर वही सर मुद्दा तो बेरोजगारी, जो विपक्षी पार्टियां हैं बेरोजगार तमाम नौजवान देखिए खड़े हैं, है ना जी। आप लोग कुछ करते हैं, आप क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करते हैं सर। पढ़ाई करते हैं सर? क्या पढ़ाई करते हैं? ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है, अभी 12 पढ़ रहे हैं। 12 में? हाँ सर। आप? ग्रेजुएशन कर लिए हैं। अभी क्या विचार क्या है, लगता है राजनीति समझते हो कुछ? थोड़ा बहुत समझते हो? थोड़ा बहुत। कौन सा नेता पसंद है? हम लोग को तो बीजेपी। बीजेपी का है? उसी को अभी चल, उसी का राज्य चल रहा था। नहीं, राज नहीं चल रहा, जैसे हमको बहुत पसंद है जी, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, लाइक करते हैं, क्यों करेंगे?
ज्यादा नहीं पता, बस बीजेपी। तब तो फिर लोग बोल देगा कि अंधभक्त है जो है सो है। आप क्या करते हैं बाबू? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। पार्टी समझ में आता है, राजनीतिक पार्टी? जी अभी तो राजनीतिक समझ में नहीं, नहीं समझ में आता है। मतलब ये एक विडंबना है कि ये नौजवान है, नेता को जानते हो? नेता को हाँ जानते हैं, मोदी, नीतीश कुमार, लालू को भी जानते हैं। तो अच्छा कौन लगता है? अच्छा जो जो मतलब हमारे गांव के घर जीवन जिसको बोलते हैं वो अच्छा लगेगा ना, गांव का विकास करे। आप का घर भी यहीं है? मेरा घर यहाँ नहीं है। कहाँ के रहने वाले? हम आगे के रहने वाले हैं, औरंगाबाद में ही है। हाँ औरंगाबाद में ही है। तो आप को राजनीति समझते हैं? ना नहीं, हमने समझ में आता है। तो जैसे वोटिंग वगैरह करते हैं ना, इसको करते हैं चुनाव में? गांव के लोग जो कहते हैं उन्हें करते हैं। गांव के लोग जो चाहते हैं वही करते हैं? हाँ वही करते हैं, गांव के साथ ही रहते हैं। गांव के लोग जो कहते हैं सब एक तरह जिन्हें कहते हैं। अभी गांव का लोग क्या कह रहा है? अभी तो कुछ नहीं कह रहा, अभी तो कह रहा है कि कोई नेता आया भी नहीं है, कहाँ होना है, कहाँ भी कोई आया, हम लोग तो देख भी नहीं किए हैं। तब वोट मांगने नहीं आया है ना? अभी कोई नहीं आया है। आप लोगों का जी का जीवन कैसे चलता है? जी का जीवन तो हम लोग कमाते उमाते उसे चलता है। अच्छा महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। किसी नेता को जानते हैं? उसे तो ना जानते हैं। नेता जानते हैं ना, नेता समझते होंगे, देखते होंगे। हाँ लोग आते हैं तो जानते हैं कि फलना आए हैं, वो आए हैं, ऐसे जानते हैं लोग आते हैं तो। अच्छा हाँ, ऐसे कुछ नहीं? ऐसे कुछ नहीं जानते हैं। मतलब आओ बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, घर गए, खाना खाए, हाँ सो गए, अपना काम किए, फिर कमाने निकल गए। फिर कमाने निकल गए। क्या नाम है बाबू? नाम सोनू कुमार। सोनू कुमार, घर दाऊदनगर। दल से मतलब है कुछ से? ऐसा है नहीं। किससे मतलब है? देखिए हमारे राज्य में कोई भी नेता आए, ढंग से काम करें, बढ़िया से काम करें, हमको अच्छा लगेगा। हमारे लिए सब नेता बराबर हैं। हम यही चाहेंगे कि कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? हमारे लिए तो सब पार्टी अच्छे हैं, बरसाते काम अच्छा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, समझें। हमारे लिए नरेंद्र मोदी भी अच्छा है, नीतीश कुमार भी अच्छे हैं, बीजेपी भी अच्छे हैं। बीजेपी तीनों तो एक ही तरफ का है। तो कहने का मतलब है कि मेरा थोड़ा सा बेरोजगारी पर भी ध्यान दें। अच्छा, बेरोजगारी पर बहुत है, मैंने बेरोजगारी हो गया है, और बेरोजगारी बहुत है, बहुत बेरोजगारी पर हम देखते हैं। हम तो खुद राजमिस्त्री के काम करते हैं, मगर काम के इधर उधर तक भट रखते ही हैं, मगर बेरोजगारी पर तो है ही। तो बेरोजगारी जब है तब मोदी को क्यों पसंद करते हैं? पसंद करते हैं कि थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, ढंग लांग करते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा यही लगता है कि नल जल योजना जो प्रधानमंत्री योजना के जो फंड आते हैं हमको अच्छा लगता है। गली गली नल है, जल है, रोड है, पक्कीकरण है, अच्छा लगता है हमको। लालू जी? लालू तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो अभी तो जैसे नहीं किए हैं, मगर वो बन जाएंगे तो देखते हैं उनको भी चांस। का करेंगे कैसे, वोट दीजिएगा तब ना। क्यों नहीं, वोट तो जैसे एक तरफा रहेगा तो क्यों नहीं देंगे, उनको भी देंगे, ऐसा बात तो नहीं है। किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा इस? अभी तो हम किस मुद्दा पर हम बात बता सकते हैं? हमको तो जैसे सब बढ़िया लगते हैं नेता, ऐसा तो बात नहीं कि हम उसके लिए बीच अति हैं। आपका क्या नाम है बाबू? नाम अनिल कुमार सिंह है। अनिल कुमार सिंह। क्या करते हैं अनिल जी आप? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं? हाँ। कितना पैसा रोज मिलता है? 350 सर। परिवार कैसे चल जाता है? परिवार गरीबी वही झेलेगा, एक 10 रुपया 5 रुपया खाया पेट में, बाकी जो बचेगा घर लेके जाएगा, वो में नून तेल में तो हेन तेन खत्म। फिर सुबह महंगाई बहुत है, 20 रुपया बचेगा, 350 कमा के जाएंगे, घर जाते जाते खत्म। सुबह क्या देखे तो 20 रुपया भाड़ा, फिर जाएंगे कमाएंगे, फिर 300 350 कमाएंगे, आएंगे खाएंगे, फिर 20 रुपया। आज जिस दिन कमाई नहीं हुई, उस दिन नहीं कमाई हुई तो है पानी पी के थोड़ा बहुत जो घर का चावल दाल है खाए पिए सो गए, और क्या करेंगे। और जैसे कोलना कोलनी है, राशन कार्ड है, हम लोग 5 भाई हैं, बाकी आज तक हम लोग के वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना, ए मतलब कि यह राशन कार्ड भी नहीं बना है। 5 भाई हैं, 5ों के राशन कार्ड नहीं है, और जैसे कि सब कोलनी भी मिलता है, कोलनी भी आज तक हम प्राप्त नहीं किए।
अच्छा हाँ, ये मुखिया बदमाशी करता है। अब कौन करते हैं सर, हम तो सभी के पास जाते हैं, इसे कोई देता नहीं है, कोई देता नहीं है। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, जो बड़ा है उसको हो गया, जो गरीब है वो गरीबी के दलदल में फंसे ही रह गया। तो नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत काम किए हैं। अरे नीतीश जी किए तो देखेंगे तब ना आके कि किसको किए, बड़ा के किए हैं कि गरीबों के किए। यहाँ तो गरीब तो दलदल में फंसा ही हुआ है, अमीर का जानते हैं पीला कार्ड है, अमीर भी कार्ड बना ले रहा है। अरे अमीर के घर में जिसको 20 बीघा जमीन है पीला कार्ड है, हमने मजदूरी करने वाले आदमी हैं लाल कार्ड है, तो गरीबी कहाँ से मिटेगी हमको, कौन मिटाएगा, नेता कोई नहीं मिटाएगा, सब अपने पेट के लिए भूखे हैं, गरीब को कोई नहीं देखता है सर। आज के डेट में गरीब तो मर रहा है रोड पे, मर रहा है, कोई नेता किसी को पेट नहीं भरते हैं। जब बैठ जाएंगे ना तो कोई किसी का नहीं है, जब तक नहीं बैठे हैं हम हैं, जनता है, परिवार है, जब बैठ जाएंगे कुर्सी पे कोई परिवार नहीं है। मतलब जाइए कोई सरकारी काम कराने के लिए 500 रुपया लगेगा, हम 300 रुपया कमाएंगे सर, 500 रुपया आपको कहाँ से देंगे, बोलिए। अत्याचार भी है ना, अगर हम 300 रुपया कमा रहे हैं, आप ही के पास कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, 300 रुपया आप दे रहे हैं और आप हम सरकारी काम कराने गए तो आप 500 रुपया मांग रहे हैं, तो हम खेत बेचेंगे कि परिवार बेचेंगे, आप बोलिए सर। तो हम किसको बोलें, किसको बोलेंगे सर, हम बहुत दलदल में फंसे हुए हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, एकदम नहीं, एकदम एकदम दिल की बात समझे कि नहीं बता रहे हैं। और कॉलोनी पास भी होता है, अगर मंगरेना वाला पैसा आता है तो क्या बोलता है, 200 रुपया तुमको मिलेगा बाकी मेरा जेब में आवेगा। अरे सरकार हमको दिया है तो तुम क्यों, उसमें भी कमीशन खोरी है, 200 रुपया हमको खाता पे आएगा बाकी सब वो खा जाएगा, तुम्हारी रोटी भी कोई दूसरे को छीन ले रहा है, तो गरीब दलदल में घुसा ही जा रहा है। कोई सरकार किसी को बड़ा नहीं बनाएगा, हम यही बोलेंगे, जब तक नहीं आंख से देखेगा। हमने इतना कॉलोनी दिया ठीक है, औरंगाबाद क्षेत्र में इतना कॉलोनी दिया, अगर उसका जांच पड़ताल हो कि गरीब के मिला कि अमीर को मिला, कौन कैसा किडर के आदमी है, इस चीज़ को देखा जाता है सर। हम और ज़्यादा क्या बोलेंगे, माफ़ी कीजिए। इस बार क्या है, वोट देने का मन है कि छोड़ देने का मन? देखिए सर, इच्छा तो करता है हमारे जैसा इंसान इस धरती पर सब हो जाएगा ना, तो वोट किसी को नहीं देने लायक है। जब दलदल में फंसे हुए हैं तो फिर दलदल में फंसे रहेंगे, जबकि हम दलदल में जाइए रहे हैं तो आपको याद क्या करेंगे, याद करेंगे सर आपको इसलिए कि दलदल से आप निकालिए, जब हम दलदल में जाइए तो आपको याद करने से क्या फायदा है, अब इतना भाषण करने से हमको क्या फायदा है। हाँ चाहूंगा कि ये अंतिम तक ये अंतिम तक पहुंचे, सरकार इसको सुने। बताइए कि आप जिस बात को कह रहे हैं, नीतीश कुमार बार बार इस चीज़ को कहते हैं, ये एक गरीब मजदूर है जो औरंगाबाद इलाके में हमसे इनकी मुलाकात हुई है, और देखिए कैसे ये बिल्कुल भाव विह्वल हैं कि हमारे जैसे लोग रहें तो किसी को वोट मत नहीं करें, जैसे नोटा में जो वोट होता है। अनिल यही बात कह रहे हैं कि कैसे भ्रष्टाचार जो है एकदम जड़ तक पहुंचा हुआ है गांव में, और मनरेगा का पैसा जो मजदूरों के लिए ही योजना बनाई गई उसका पैसा भी लोग खा जाते हैं, मतलब गरीबों की हक की रोटी में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, कॉलोनी का पैसा मिलेगा 30,000 पहले हमको दो तो तुमको कॉलोनी पास करेंगे, हमको 30,000 नहीं रहेगा तो हम 30,000 आपको न देंगे ना, हमको कॉलोनी पास होगा। मेरा 5 है सर, 5 बाल बच्चा। हाँ सब गेदा गेदी है, गेदा गेदी है। हाँ लेकिन इस पे तो कंट्रोल करना चाहिए सर, कंट्रोल तो हर कोई करता है। जैसे सर हम दो शादी किए, एक परिवार डेट कर गई थी, अच्छा। सब उससे 4 था तो गेदा गेदी था, तो मजबूरी में कौन खाना बना के देगा, जब हम मजदूरी करेंगे तो 4 बजे तो हमको उठना है, काम करने जाएंगे तो तब ना 4 को हम पालेंगे, तो हमने शादी कर लिया, शादी कर लिया तो उससे भी बोला परिवार के एक मेरे से भी रहो, तो 5 हो गया, मजबूरन हम किए गरीबी का दलदल की कैसे उबार हो गए। एक चीज पूछते हैं आपसे अनिल जी, कि जैसे आप कह रहे हैं कि 5 बच्चे हो गए हैं जी, सरकार परिवार नियोजन जागरूकता कार्यक्रम चलाता है, चलाती है। तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कम बच्चे रहेंगे तो ज्यादा सुखी आप? देखिए सर, हम लोग पढ़े लिखे उतना नहीं है, हम लोग मजदूरी करे खाने वाले, बस यही सोचते हैं कहीं रोजी लग जाए, 2 रुपया कमा लें और पेट भर लें। बच्चा रहता तो थोड़ा राहत होता। हाँ राहत होता सर, तो है पढ़ता है बच्चा सर? हाँ सर, सरकारी स्कूल में जाते हैं सरकारी। हाँ देखिए सरकारी स्कूल के भी नियम बोलते हैं कि जैसे
आधार कार्ड, हम बच्चे को आधार कार्ड बनाने जमहोर गए, सब कुछ प्रूफ दे दिए, अभी तक उसका आधार कार्ड नहीं बन गया। मतलब 5 बार दौड़ते दौड़ते हमको चप्पल टूट गया, छोड़ दिए हम, आज नहीं बनाया, स्लिप मेरे पास है, जाते हैं आ जाओ कल आओ परसों आओ, सरकारी जो कुर्सी पे बैठ जाता है तो देखता है कि मेरा राज है, बस गरीबों को कोई राज नहीं है। गरीब की राज जब तक चलेगी जब तक कि वोट पड़ गया, वोट ले लिए सरकार, बस कुछ नहीं है। हाँ हाँ बैग मिला है, हाँ अब की मिला है सर, हाँ बाकी लॉकडाउन में सभी बच्चों को पैसा आया, बाकी मेरा 4 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, किसी का प्राप्त नहीं किया, नहीं किया सर। और जिस दिन मजदूरी नहीं करते हैं उस दिन क्या होता है? उस दिन वह घर में जो भी है कमाए हैं, धान चावल काटे हैं, माड़ भात बनाएंगे खाएंगे, डंट पेल के सो जाएंगे, क्या करेंगे आगे। अब आखिरी बार एक सवाल पूछते हैं, चलिए आप बोलिए सर, कि इस बार आप अगर वोटिंग का मौका मिलता है आपको जी, तो किस नेता को आप पसंद करते हैं? हम तो ऐसे नरेंद्र मोदी के ही पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को ही पसंद करते हैं, काहे कि वो अच्छा काम किए, मंदिर बनवाए, बहुत बड़े बड़े कार्य भी किए। तब तेजस्वी यादव ने तो कहा कि मंदिर से पेट भरता है क्या? हैं नहीं, मंदिर से पेट नहीं भरता, बाकी आत्मा का शांति मिलता है, ये मानेंगे मिलता है, मिलता है, क्योंकि उस दलदल से निकलेंगे तो छाँ हमको वहीं मिलेगा, जब दलदल से हम निकलेंगे तो छाँ हमको वहीं मिलेगा, स्वर्ग है वो मिलेगा वहाँ, अगर निकल वहाँ जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा हमको, भगवान को मानते हैं, मानते हैं, स्वर्ग हमको मिलेगा जब दलदल से हम निकलेंगे, जब सरकार हमको दलदल में घुसा दिया और जब इसमें से निकलेंगे ना हम, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो देखा हाँ आराम मिला हमको, ये अच्छा काम, मंदिर से आप खुश हैं? खुश हैं मोदी के इस काम से। और मोदी का कोई काम? और मोदी का काम नल जल बना, रोड बन रहा है, घर में नली गली बन रहा है, बहुत बढ़िया तरक्की काम किए हैं, जैसे राशन मिलता था पैसे से अब फ्री हो गया है, हाँ सर फ्री हो गया है, फ्री हो गया है, ये सब आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा। तेजस्वी यादव क्यों अच्छे नहीं लगे? पहले तो ये सब कुछ नहीं मिलता था सर, अच्छा पहले तो कुछ नहीं मिलता था। लालू जी और तेजस्वी यादव का नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं सर। क्या उनके बारे में आपको क्या लगता है? कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं? देखिए सर, सभी कोई करते, थोड़ा कोई कम किया कोई ज्यादा किया, हैं सब नाम तो सभी कमाए, आगे बैठेंगे जो गद्दी पर बैठे तो नाम कमाइए लिए, हम लोग रोड पर चले तो हमको कोई नाम लेगा? नहीं लेगा, लेगा सर, जब तक कुर्सी पे हम नहीं बैठेंगे तो मेरा नाम नहीं चर्चा होगा, क्योंकि हम तो रोड पर चलने वाले इंसान हैं। आज देखिए मजदूरी के लिए हम जाते हैं, गरीब को हम 10 रुपया टेम्पू वाला के देते हैं ना, तो टेम्पू वाला एक दिन कहा हमको बोल रहा है यहाँ पर कि तुम रोकवाया क्यों 10 रुपया खातिर, मारेंगे बताइए, हम गरीब हैं 10 रुपया में नहीं जाएंगे, बोलिए, अगर एक गरीब 10 रुपया दे रहा है तो हम उसको नहीं लेके जाएंगे, 300 रुपया हम कमाएंगे, 20 रुपया हम भाड़ा दे देंगे, इन्हें से 20 से 40 बचा कितना हमको 310 रुपया। सब्जी 50 रुपये किलो से कोई नीचे नहीं है सर, आज के डेट में देख रहे हैं नहीं है, तेल देखिए वही दशा है, महंगाई तो है, महंगाई तो पहले से ज़्यादा है, महंगाई बहुत, हाँ महंगाई बहुत है, कहीं कमाते हैं तो है सुबह में 20 रुपया बचता है खा पी के। चलिए लेकिन वोट आप नरेंद्र मोदी को भी देंगे जी। ये थे हमारे साथ एक मजदूर भाई जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, गरीबी में जीते हैं, महंगाई है, नेता जो है वो किसी का काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ये नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। चलिए चुनावी यात्रा में हम इसी तरह के लोगों से जो बिल्कुल ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात करते रहेंगे और बात करते रहेंगे, और इसी से आप भी समझिएगा कि जनता का नब्ज क्या कहता है, यानी पब्लिक में किसका बोलबाला है।